मैंने पहले भी इस बारे में कहा है, प्रशासन से मैंने कहा है, जिन व्यापारियों के घरों में जनहानि और धनहानि व्यापारियों ने की है, इस पर तो कार्रवाई कुछ में हुई है। अगर इसके बाद भी कोई बचा है तो उसको भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। दूसरा, जब मुजफ्फरनगर में दो निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। लेकिन भाइयों बहनों,